हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़ एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर्स देखेंगे। एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस रीड करेंगे और उनको समझेंगे। एंगल, एन एंगल इज़ अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या होता है? जब दो रे एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है, जैसे कि ए डी ए ओ बी। अब यहाँ पे ओ एक इनिशियल पॉइंट है और ए और बी, इसमें क्या ओ से आपकी दो रेस निकल रही, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। सेकंड है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? द स्पेस विद इन द आर्म्स ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस इंडिसली इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल। जो आपके एंगल्स फॉर्मड हुआ उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो आपके इंटीरियर होंगे। जैसे पॉइंट ए बी सी लाइन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू के आर के अंदर क्या है आपके इंटीरियर पॉइंट? ए बी एंड सी। एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट क्या कहलाते हैं? जो द स्पेस आउटसाइड द आर्म्स ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस इंडिसली इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द लाइंस। जो आपके एंगल के बाहर पॉइंट्स हैं वो आपके एक्सटीरियर होंगे। एंगुलर रीजन, एंगुलर रीजन क्या होगा? एंगुलर रीजन जिस एंगल पे आपके एक लाइन पे आपके पॉइंट होंगे वो आपके एंगुलर रीजन होंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चंस। 4B का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द एंगल फ्रॉम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर में कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं ये आपको बताना है। तो जैसे फर्स्ट फिगर में क्या बन रहा है, एंगल आर एल ओ बी एल ओ सी एल ओ डी ए ओ ई सॉरी ए ओ बी ए ओ सी ए ओ डी ए ओ ई एंगल बी ओ सी बी ओ डी बी ओ ई एंगल सी ओ डी सी ओ ई एंड डी ओ ई, ये आपके एंगल्स बन रहे हैं इस दिए हुए फिगर में। सेकंड फिगर में क्या बन रहा है? सेकंड फिगर में आपके ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ये आपके एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं सेकंड फिगर में। थर्ड में क्या हो रहे हैं आपके फॉर्म्ड एंगल्स? ए बी सी बी सी डी डी सी डी ए एंड बी ए डी, ये आपके एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं थर्ड फिगर में। फोर्थ फिगर में कौन से हो रहे हैं एंगल? ए बी डी बी डी डी बी सी डी सी डी बी बी डी ए एंड डी ए बी, आपके फोर्थ फिगर में एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ फिगर राइट द नेम ऑफ द एंगल इट्स वर्टेक्स एंड आर्म्स लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑन द एंगल। अब आपको बताना है कि आपके वर्टेक्स में कौन कौन से हो रहे हैं। तो सेकंड में एंगल ए बी सी वर्टेक्स किस पे? बी पे हो रहा है ए बी सी। आर्म्स क्या है इसकी? ए बी एंड बी सी आपकी आर्म है। सेकंड क्वेश्चन में हमको करना है इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं। द पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल आर डी जे एंड जी, ये आपके इंटीरियर मतलब अंदर के पॉइंट हैं एंगल के। बी द पॉइंट विच आर द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, अब एक्सटीरियर बाहर कौन कौन से पॉइंट हैं? ई आई के, ये आपके एंगल के बाहर के पॉइंट्स हैं। द पॉइंट ऑन द एंगल आर, अब एंगल पे कौन से पॉइंट हैं? ए एच बी ई एंड सी। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ फिगर रेस ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड ओ ई स्टार्ट फ्रॉम द एंड पॉइंट ओ फॉर्मिंग वेरियस एंगल, एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव, नेम दीज एंगल्स यूजिंग द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। सेकेंड है नेम टू पॉइंट ईच इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स दिए हुए हैं, अब एक्सटीरियर बनाना है। चलिए देखते हैं इसके आंसर। इन द फिगर, अब फिगर हम देखेंगे तो एंगल ए पे कौन सा है आपका? ए ओ बी। सेकेंड एंगल कौन सा है? बी ओ सी। थर्ड सी ओ डी। फोर्थ डी ओ ई एंड फिफ्थ कौन सा है? ए ओ ई। अब टू एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एल ओ ए ओ बी, अब ए ओ बी का कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट है? सी एंड डी आपके एक्सटीरियर पॉइंट हैं। ऐसे ही बी ओ डी के ए एंड ई एक्सटीरियर पॉइंट हैं, ई ओ डी के ए एंड बी, ई ओ ए के बी एंड सी, बी ओ सी के क्या हैं आपके? ए एंड ई। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, अब इंटीरियर मतलब अंदर के पॉइंट बताना है आपको। तो इंटीरियर क्या है ए ओ डी के अंदर? बी एंड सी। बी ओ डी में क्या है? सी। सी ओ ए में कौन सा पॉइंट है? बी। फोर्थ दिया हुआ है, नेम द पॉइंट विच
लाई ऑन एंगल, अब कौन सा पॉइंट है जो एंगल पे लाई कर रहा है, तो कौन सा है हमारा ए ओ बी में, ए ओ एंड बी, ए ओ सी में कौन से पॉइंट है, ए ओ सी जो कि एंगल पे ही है, ए ओ ई में ए ओ ई, द पॉइंट विच लाई ऑन ई ओ सी, ई ओ एंड सी, एंड ई ओ डी पे कौन से हैं, ई ओ एंड डी आपके पॉइंट हैं। फोर्थ दिया हुआ है, इन फिगर राइट द फुल नेम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3, राइट द फुल नेम ऑफ एंगल 5 एंड एंगल 6, नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल 3, नेम द कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल 5 एंड एंगल 6। तो एंगल 2 क्या है, इसका फुल नेम क्या होगा हमारा, ए सी डी, थर्ड का क्या होगा ए सी बी, फिफ्थ का क्या होगा बी ए सी, सिक्स का सी ए डी। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ था सी इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल 3, एंगल 3 की वर्टेक्स क्या है सी, ए सी इज द कॉमन नाम ऑफ एंगल 5 एंड एंगल 6, अब कॉमन नाम कौन सी है ए सी, एंगल 5 एंड 6 की ए सी। आई होप समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में 4C एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। थैंक यू।